बड़ी खबर से ये बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बस में जोरदार टक्कर मारी है। और स्कूल की बस में टक्कर मारने के बाद जो जानकारी मिल रही है, 30 स्टूडेंट्स के घायल होने की आ रही है। बस चालक की मौत हो गई है, 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर के बाद से बस के पर खच्चे उड़ गए, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अस्पताल के अंदर से घायल बच्चों का इलाज इस समय चल रहा है। हादसे के बाद से सड़क पर जाम लग गया। थाना मंडावरा के चंदक रोड पर ये घटना हुई है। बिजनौर से खबर, शिवम और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, भयावह तस्वीरें देखी जा सकती है जो हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरी खबर विस्तार से बताइए, एक एक जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला बिजनौर के थाना मंडावर रोड है, चंदर रोड है, जहाँ पर एक स्कूली बस लगभग लगभग 35-40 बच्चे सवार थे, स्कूल जा रहे थे। इसके सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बस को निशाना बना दिया, जिसमें सवार लगभग 30 लोग 30 बच्चे जो घायल हो गए गंभीर रूप से, और ये जो बस चालक था उसकी हादसे में मौत हो गई। और घायलों को जो छात्रों को उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी शुक्रिया शिवम जानकारी के लिए। तस्वीरें भयावह हैं। देखिए, ट्रक ने स्कूल की बस को मारी पीछे से जोरदार टक्कर, और ट्रक के आगे का हिस्सा और बस के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बिजनौर के बाद खबर सोनभद्र से, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी हुई बस बेकाबू होकर पलटी है और इस हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुट गई। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ये सभी बस्ती जिले से रामेश्वरम जा रहे थे। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मारकुंडीय घाटी में यह हादसा हुआ है। बस में 65 यात्री सवार थे, जिसमें ज्यादातर यात्री घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। और एक और सड़क हादसे की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया। बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संज्ञान, जिसमें आपको बताएं कि बुलंदशहर में बारातियों से भरी हुई तेज रफ्तार बस जो थी, इसने 5 लोगों को रौंद डाला। 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 2 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराए गए। अब इस खबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। जो आईसीयू में इलाज चल रहा है, जो घायल हैं लोग, और लोग सड़क किनारे ये सो रहे थे। शुरुआती जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक, जिसमें 3 लोगों की मौत होगी, 2 लोग घायल। तेज रफ्तार बारातियों से भरी हुई ये बस, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री ने भी यहां पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर कानपुर में लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। जनसुनवाई में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया गया है। 97 अफसरों को पत्र भेजकर डीएम ने चेतावनी दी है। 1 से 13 फरवरी तक की संख्या में भारी लापरवाही देखी गई। तो 1 से 13 फरवरी तक के समय में जो लापरवाहियां देखी गई हैं, उस पर शिकायत मिली और शिकायतों पर संज्ञान लिया गया। शिकायत करने वालों की असंतुष्टि को देखते हुए ये नोटिस जारी किया गया। कानपुर में लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी देते हुए नोटिस दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स आज से शुरू हो रहे हैं, जिसमें 10th की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, जो कि 13 मार्च तक चलेंगी। और वहीं 12th के एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं, जो कि 2 अप्रैल तक चलेंगे। परीक्षा अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। 10:30 बजे का समय है जब परीक्षा को शुरू होना है। बोर्ड परीक्षाओं में इस साल भारत और दूसरे देशों के 26 देशों से 39 लाख से ज़्यादा छात्र भाग ले रहे हैं। दिल्ली में 877 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इसमें से 5,80,192 छात्र शामिल होंगे। और अमित राणा से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। अमित राणा, बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, 10:30 बजे से एग्जाम शुरू होने हैं। बच्चे काफी एक्साइटेड एग्जाम देने के लिए, लेकिन एक समस्या, किसान आंदोलन, क्योंकि ये खबरें मिल रही है, बच्चों की चिंता बढ़ी हुई है किसान आंदोलन से।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कंचन, क्योंकि किसान आंदोलन है तो इसको लेकर सीबीएसई ने भी एडवाइजरी जारी की है कि समय से पहले पहुंचे। यहाँ कुछ बच्चे आना शुरू हो गए हैं जिनके एग्जाम है। बेटा एग्जाम देने के लिए आए हैं आप, कितने बजे घर से निकले थे? हम लोग 9 o'clock के आसपास निकले थे घर से। 9 o'clock? हाँ जी, मतलब 1.5 घंटे पहले निकले हैं। हाँ जी, क्या किसान आंदोलन की वजह से? हाँ जी। तो बताया था एडवाइजरी जो जारी की गई है उससे? नहीं बताया तो नहीं किया था। हाँ। पर हम लोग क्या कहते हैं, कौशाम्बी वाला जो यूपी, जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है, हाँ हाँ। वहाँ पे थोड़ा रश मिल गया था। रश मिल गया था। तो कैसी तैयारी? अच्छी है तैयारी। अच्छी तैयारी है। आप बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं भी इनके साथ ही वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा जी, वहीं से आ रहा हूँ। तो जो पढ़ने का समय था, अगर ये जाम नहीं मिलता किसानों की वजह से, शायद और पढ़ पाते? नहीं, पढ़ तो गाड़ी में लिए ही थे। गाड़ी में? हाँ, ऐसी बात नहीं है, पर अच्छी तैयारी है, देखते क्या होता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये बच्चे हैं जो कि 10:30 बजे इनको यहाँ पहुंचना था और 9 बजे घर से निकले, यानी कि 1.5 घंटे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये स्टूडेंट्स हैं अमित। यही गाइडलाइन दी गई थी कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, देखिए उसमें बच्चों के एग्जाम सफर नहीं करने चाहिए, और इसी वजह से तय समय से काफी पहले ये बच्चे पहुंच गए हैं। बस थोड़ा सा इंतजार, 10:30 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और 10th 12th के एग्जाम आज से शुरू हो रहे हैं, और इसी पर अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव भी मौजूद हैं। अमित, सारे स्टूडेंट लगभग पहुंच गए होंगे, क्योंकि बच्चे समझते हैं इस जरूरी घड़ी है उनके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम उनके एग्जाम को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करना है, जो कि 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। और जो आपने कुछ स्टूडेंट से बात की, इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स गाइडलाइंस को मानते हुए तय समय से काफी पहले पहुंच रहे हैं। कंचन, आपको बताना चाहूंगा 10th और 12th ये वो कड़ी कही जाती है किसी भी छात्र या छात्रा के जीवन की, जो कि इनको बेस बताया जाता है। ऐसे में इनकी पढ़ाई पे कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ता है, क्योंकि 1.5 घंटे पहले अगर घर से ये निकल रहे हैं, उस 1.5 घंटे में पढ़ भी सकते थे। हालांकि जिन स्टूडेंट से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन ये सोचना होगा किसानों को भी कि बच्चों को जो एग्जाम है, उन एग्जाम को लेकर जो यूपी के जितने यूपी से सटे हुए, जितने दिल्ली से सटे हुए, जितने बॉर्डर है, उनको एग्जाम में भाग ले रहे हैं। और आज से सीबीएसई बोर्ड का आगाज हो चुका है, बच्चों को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, बच्चे उन गाइडलाइंस को मानते हुए एग्जाम देने अपने सेंटर में तय समय से पहले पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि बच्चों के एग्जाम सफर हो सकते हैं किसानों के आंदोलन को देखते हुए। हमारे सहयोगी गाजियाबाद से इस समय लाइव थे, जिन्होंने बताया कि जो बॉर्डर एरिया से बच्चे आ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो अपने समय से काफी पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच रहे हैं, ताकि वो एग्जाम आराम से दे सकें, कोई दिमाग में तनाव नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मित्राना जानकारी के लिए।